Student, in question number 9, which among the given molecule can exhibit tautomerism? Tautomerism क्या रहता है? जो carbonyl group आ रहा है CO, उसका पास वाला carbon पे hydrogen होना चाहिए. So here you can see in the third option C double bond O, then after यहाँ पे CH2 रहेगा. So hydrogen यहाँ shift हो जाएगा, pi bond यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ pi bond हो जाएगा, यहाँ पे OH ये वाला ketone enol में convert होने वाला है. Double bond with OH ये वाला enol हो जाएगा, only 3 ये आएगा. क्यों? यहाँ CO ग्रुप के पांच वाला जो कार्बन होता है इसके ऊपर एक ही हाइड्रोजन रहता है. यहाँ पे जो पांच वाला कार्बन होता है सेम प्लेन में, इसके ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं आ रहा है. हियर इजीली ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होगा. ओनली 3 गिव्स, यस यू कैन सी अल्फा हाइड्रोजनेट ब्रिज कार्बन नेवर पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म. यस ये वाला ब्रिज कार्बन होता है. यहाँ पे ब्रिज कार्बन क्या होता है? यहाँ पे दो रिंग के बीच ये वाला कार्बन कॉमन रहता है. यहाँ पे हाइड्रोजन तो है बट ये ब्रिज कार्बन होगा. सो नेवर पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म. ये वाला कार्बन ब्रिज कार्बन नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ए न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? एमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल. एमोनिया में क्या रहता है? वन इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है, वो इजीली डोनेट करेगा. सो ये वाला पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्टेड रहेगा. यहाँ पे वन लोन पेयर होता है. सो ये वाला न्यूक्लियोफाइल हो गया. सही है. न्यूक्लियोफाइल अटैक्स लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट. यस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी रहता है वहीं पे अपना वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. सही है. न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग. न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड. न्यूक्लियोफाइल क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेट करेगा. सो ये वाला लुईस बेस हो जाएगा. सो डी इज रॉन्ग. यस डी इज रॉन्ग. ये वाला लुईस बेस रहेगा. क्यों? ये इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेट करेगा. इन द क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ? डिहाइड्रेशन में क्या होता है? वाटर रिमूव हो जाएगा. सो ये क्वेश्चन दिया हुआ है. इन द क्वेश्चन नंबर 11 यू कैन सी यहाँ से OH के साथ फर्स्ट H प्लस एड हो जाएगा और ये वाला H2O रिमूव होगा. सो दिस कार्बन इज अवर कार्बोकेटाइन बन जाएगा. यस ये वाला टर्सरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा. इसमें से ये जो पांच वाला हाइड्रोजन रहता है, कार्बन रहता है, वहीं से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा. सो ये सही रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ? यू कैन सी एच प्लस ओ एच के साथ कंबाइन होगा, देन एच टू ओ वहाँ से रिमूव हो जाएगा. इसके बाद ये वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन बन जाएगा. ओके, देन आफ्टर यहाँ से जो हाइड्रोजन रहता है वो रिमूव होगा लाइक दिस. और यहाँ का वैकेंट ऑर्बिटल
और यहाँ का फील्ड ऑर्बिटल कंबाइन होके पाई बॉन बनेगा। अदरवाइज सेकेंड कंडीशन क्या रहता है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और डबल बॉन्ड बनाएगा। सो आंसर इज ए। ये वाला पॉसिबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनॉन। यस, ये वाला साइक्लोपेंटेनॉन है विथ मिथाइल लिथियम। मिथाइल लिथियम क्या होता है, CH3 के साथ लिथियम होता है। गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, कौन सा प्रोडक्ट देगा। मिथाइल लिथियम में देख सकते Li प्लस होता है और CH3 माइनस। CH3 माइनस यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा, ये वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसकी और CH3 माइनस अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसके साथ CH3 कंबाइन हो गया, ये वाला और नेगेटिव वाटर की ओर अट्रैक्टेड रहेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे CH3 साइक्लोपेंटानॉयल एनायन बन जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे मिथाइल। दिस इज आवर आंसर इन क्वेश्चन नंबर 12। आवर आंसर इज सी, साइक्लोपेंटेनॉयल एनायन फॉर्म होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, वी कैन सी हियर नॉट पाई बॉन्ड इज आस्क, पाई इलेक्ट्रॉन्स इज आस्क्ड। इन वन पाई बॉन्ड देर इज टू इलेक्ट्रॉन, सो हियर पाई बॉन्ड इज 1, 2, 3 एंड 4, सो 4 2 8, डोंट मेक मिस्टेक, आंसर इज 8 हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों इक्वल आ रहा है इन द क्वेश्चन नंबर 14। साइनोजेन सी एन ट्वाइस रहता है, इन सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यह सिग्मा बॉन्ड 1, 2 एंड 3 एंड पाई बॉन्ड इज 4। ओके, इन बाई कार्बोनेट CH2CN2, इसमें क्या रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिग्मा और 4 पाई हो जाएगा, यहाँ पे 4 सिग्मा 1 पाई आ जाएगा, हियर 4 सिग्मा एंड 4 पाई आ जाएगा, सो हियर आंसर इज डी। वाई 4 सिग्मा एंड 4 पाई इन XeF4, यहाँ डबल बॉन्ड मीन्स 1 सिग्मा 1 पाई, सो टोटल 4 सिग्मा एंड 4 पाई। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर इज डी। नाउ इन 15, विच ऑफ द कंपाउंड कैन एग्जिबिट टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म कौन दे रहा है, CO ग्रुप के 5 वाला कार्बन जिसके ऊपर हाइड्रोजन रहना चाहिए, तो यू कैन सी CO ग्रुप, ये वाला 5 वाला कार्बन, इसमें CH2 रहेगा, यहाँ CO ग्रुप, इसके 5 वाला कार्बन CH2 रहेगा, ये वाला CO ग्रुप, इसके 5 वाला कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ रहा है, सो यू कैन सी इन द क्वेश्चन नंबर 15 आंसर इज बी। आंसर इज बी, इसका मीनिंग ये रहता है 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ दिस, यस ऑब्वियसली कीटो ग्रुप के 5 वाला कार्बन CH2, यहाँ पे CH आ जाएगा, यहाँ CH, CH,
तीनों दे रहा है ऑल ऑफ दिस गिविंग टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला अल्फा कार्बन होता है वहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, OH हो जाएगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा कार्बन आ रहा है, सो यहाँ से जो CH2 होता है हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो जाएगा OH, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यू कैन सी पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड हियर, टोटोमेरिज्म आ गया। इन थर्ड केस यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहता है, अदरवाइज पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। यस ये भी टोटोमेरिज्म दे रहा है, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एच यहाँ पे चला जाएगा, टोटोमेरिज्म आ रहा है। इन द क्वेश्चन नंबर 16 यू कैन सी व्हाट हैपेंस हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू टेक प्लेस। न्यूक्लियोफिलिक का रिएक्शन हो रहा है, सो कौन सा वाला 1, 2, 3 एंड 4 कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। सो यू कैन सी यहाँ पे Ca3, Ca डबल बॉन्ड, Ca2, Cl इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन का ज़्यादा रहता है, सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्टेड रहेगा, इसके वजह से ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। सो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज कार्बन की ओर शिफ्ट होगा, सो Ca3 देन CH+ Ch डबल बॉन्ड Ch2 हो जाएगा। सो आंसर इज ए इन क्वेश्चन नंबर 16, ए वाला सही रहेगा। इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.26 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेम 40 मिली ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 725 मिलीमीटर प्रेशर इफ द एक्वियस टेंशन, जो गैस कलेक्ट हुआ वो वाटर के ऊपर कलेक्ट हुआ, सो इसमें वाटर का वेपर भी आ जाएगा, सो ये 725 में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ड्यूमास मेथड विल बी, सो यू कैन सी 40 मिली, यस एट 300 केल्विन वी हैव टू डिराइव एट STP, सो 725 में से 25 गया 700 एट STP, वॉल्यूम क्या रहेगा P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2, सो एट STP वॉल्यूम 33.52 रहेगा। 22,400 मिली ऑफ नाइट्रोजन मीन्स 28 ग्राम, सो 33.52 मिली हाउ मच, सो 0.0419 ग्राम रहेगा। सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन वी कैन डिराइव 0.0419/1.25 16.76 रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन अकर्स इन न, यस हाइपर कंजुगेशन में क्या रहता है, जो अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन होता है उसका पास वाला कार्बन में हाइड्रोजन अल्फा होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये बेंजीन रिंग वाला है, इसका 4 बॉन्ड 1, 2, 3 एंड 4 फिलअप हो चुका है, सेटिस्फाई यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, सो ए नहीं देगा। यहाँ पे देख सकते हैं तीनों साइड pH मीन्स फिनाइल आ रहा है, कार्बन के साथ तीनों फिनाइल आ रहा है, सो ये क्या होगा, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं रहता, सो ये वाला भी नहीं देगा। हियर ये वाला कार्बन ये तो टर्मिनल हो जाएगा, दो रिंग का बीच वाला कार्बन टर्मिनल कार्बन वो नहीं, यहाँ पे 3 बॉन्ड यहाँ CH3 यहाँ पे CH यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है,
सो इसके हिसाब से एक हाइड्रोजन और ये वाला बॉन्ड फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल ओनली इन ना थ्री, आंसर ए आएगा। 18 में आंसर ए आएगा। कैन ऑकर हाइपर कंजुगेशन ओनली इन कंपाउंड थ्री, इट हैज अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटेट इज शोन बिलो हैज। सो नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड वी हैव टू डिफाइन इन द क्वेश्चन नंबर 19। आंसर इज सी। हाउ यू कैन सी 18 सिग्मा एंड 2 पाई, यू कैन सी 1 एंड 2 पाई बॉन्ड एंड देन CH3 में 3 सिग्मा आ जाएगा, ये वाला 1, 4, 5, ओ के साथ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सिग्मा एंड 2 पाई रहेगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आयोनाइजेशन सेल गिव मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन। क्लोरीन रिमूव होने के बाद कार्बो केटायन फॉर्म होगा। सो ये वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज अटैच विथ अनदर वन कार्बन एंड दैट इज अ बेंजीन रिंग, ये वाला प्राइमरी हो जाएगा। यहाँ से क्लोरीन रिमूव होने के बाद ये वाला भी प्राइमरी हो जाएगा। इन थर्ड ये वाला क्लोरीन रिमूव होने के बाद सेकेंडरी हो जाएगा, ये वाला रिमूव होने के बाद टर्सरी। सो ऑब्वियसली टर्सरी कार्बो केटायन मोर स्टेबल रहता है, सो आंसर डी होना चाहिए। यस, ड्यू टू दैट पॉजिटिव चार्ज कार्बन अटैच विथ अनदर थ्री, सो यहाँ क्या डोनेटिंग नेचर रहता है, सो प्राइमरी कार्बो केटायन के हिसाब से सेकेंडरी, सेकेंडरी के हिसाब से टर्सरी वाला मोर स्टेबल रहता है। इन जेल्डा मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अ सॉइल, एमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.75 ग्राम सैंपल, न्यूट्रलाइज 10 मिली ऑफ 0.1 मोलारिटी सल्फ्यूरिक एसिड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एमोनिया, 10 मिली ऑफ 0.1 मोलारिटी सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू 10 मिली मोल रहेगा। सो 10 मिली ऑफ 2 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड, सो 1.4 ये वाला फॉर्मूला। नॉर्मलिटी ऑफ एसिड 2, वॉल्यूम इज यूज 10, मास 0.75, तो 37.33 रहेगा। दिस इज अवर आंसर। नाउ बाय, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय।